मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो ब्रेकफास्ट में पोहा खाना यानी कि वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है और चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल पोहा रेसिपी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मोटा पोहा, उसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। ज़्यादा हाथों से बहुत ज़्यादा मसल के वॉश नहीं करना है। वॉश करने का मतलब है कि इसमें से जो गंदगी है, गंदा पानी है, वो निकल जाए और पोहा जितना उसने पानी अब्सॉर्ब करना है अब्सॉर्ब करके पोहा फूल जाए। तो सॉफ्ट हाथों के साथ हम पोहे को वॉश करके पानी को ड्रेन कर देंगे और इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, आधा चम्मच शुगर और आधा चम्मच इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम धीरे धीरे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद क्या करना है, इसको हम रेस्ट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि पोहा फूल जाए। तो ये मैं ले रही हूँ मूंगफली यानी कि पीनट्स। अगर आपको पीनट पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो ये मैं बिना ऑयल के रोस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको सेमी फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करने के बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये क्रंची हो जाए ना तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं। उसके लिए मैंने 3 चम्मच, 3 छोटे चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर डाला है थोड़ा सा हींग यानी कि एसाफोटिडा, 1/2 चम्मच डालूंगी इसमें जीरा, 1/2 चम्मच इसमें मस्टर्ड सीड्स और 8 से 10 कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स ज़रूर डालें, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको थोड़ा सा क्रंची होने के बाद इन चीज़ों को इसके अंदर मैं डालूंगी स्मॉल साइज़ का कट किया हुआ अनियन। अगर आप वेजिटेबल्स खाना, सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं पोहा में, तो छोटे छोटे सब्जियाँ कट करके डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1/4 स्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी डाली है हल्दी, हल्दी एकदम से ज़्यादा नहीं डालें, कलर अच्छा नहीं आएगा। पहले थोड़ी सी डालें, उसके बाद अगर कलर आपको अच्छा नहीं लगे तो थोड़ी सी और ऐड कर लीजिए। तो ये मैंने रोस्टेड जो पीनट है वो अंदर डाल दिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डालूंगी मैं ये पोहा। ये देखिए पोहा अच्छे से फूल के कितना अच्छा बन गया है, पोहे ने पानी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो ये पोहा डाल के इसको ज़्यादा नहीं हम पकाएंगे, पोहा को थोड़ा सा पकाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इसको पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे, उसके साथ क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। ये मैं डाल रही हूँ उसमें 1/2 चम्मच शुगर और ये मैंने डाला है 1/2 चम्मच लेमन। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास क्रश किया हुआ कोकोनट है तो आप 1-2 चम्मच कोकोनट डाल लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से करी लीव्स और ये लीजिए हो गया रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा चटपटा ब्रेकफास्ट वेट लॉस के लिए, या फिर आपके आप अगर कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।